अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एट्थ क्लास के कंप्यूटर में अभी तक आपको मैंने जो टॉपिक रीड आउट करवाया वो था टाइप्स ऑफ थ्रेड्स, कि कंप्यूटर को किस किस तरह के थ्रेड्स का सामना करना पड़ता है, जिसमें से वायरस, वॉर्म, हैकर और एडवेयर चार तरह के टाइप्स थी थ्रेड्स की, जो आपको डिटेल में मैंने डिस्कस कर दी थी। आज जो हम अगला इसका टॉपिक पढ़ेंगे वो आपका टॉपिक है वे थ्रू विच वायरस, वॉर्म एंड एडवेयर स्प्रेड। ये बेसिक इनके वायरसेस जो कंप्यूटर में कंप्यूटर को हार्म करते हैं, ये किन किन तरीक़ों से फैलते हैं, ये डिफरेंट वेज़ हैं इनके। इनमें से इसके जो फोर बेसिक वेज़ हैं वो हैं इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क। इन चार तरीकों से जो फैल सकते हैं ना, देर आर डिफरेंट वे थ्रू विच अ वायरस, वॉर्म एंड एडवेयर स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट हो सकते हैं, फैल सकते हैं। पहला जो इसका तरीका है वो है इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क। क्या आपने कोई इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स है वो आपने एक कंप्यूटर से यूज़ करके दूसरे कंप्यूटर में लगाई है? फ्लैश ड्राइव को अगर आप इजीली वर्ड में सुने तो USB जिसे आप बोलते हैं वो फ्लैश ड्राइव्स होती हैं आपकी। आपने एक कंप्यूटर में से कोई चीज़ इंस्टॉल की, वहाँ से दूसरे कंप्यूटर में जब आपने शिफ्ट की तो पहले कंप्यूटर में वायरस था, वहाँ से वो दूसरे कंप्यूटर में वायरस शिफ्ट हो गया उस फाइल के साथ। फिर है ईमेल अटैचमेंट। आपने कोई ईमेल जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड की, उस ईमेल के थ्रू वायरस आपके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट हो गया। फिर है सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट। कुछ वेबसाइट होती ही इसलिए हैं कि अगर आप उन्हें विजिट करें तो उनके साथ वायरस अटैच होते हैं, जो ऑटोमेटिकली क्वेश्चनेबल तरीके से आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होते जाते हैं। चौथा है इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, उस सॉफ्टवेयर के साथ वायरस आपके अटैच था और वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया ऑटोमेटिकली, जो कि आपके कंप्यूटर को हार्म करेगा। ये चार वेज़ हैं, इनको आप डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। फर्स्ट वन को करते हैं इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क। फर्स्ट वन जो है वो है आपका इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव और डिस्क। इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क आर कन्वीनियंट, पॉपुलर एंड ईजी वे टू स्टोरेज ड्राइव डिवाइसेस। आजकल सबसे जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला और पॉपुलर और इजी वे जिसके ज़रिए से आप अपना डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट कर सकते हैं वो है इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क, यानी कि USB जिसे आप बोलते हैं। जो इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क जो होती हैं मेन सोर्स होता है वायरस के फैलने का। वंस एन इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव और डिस्क इज कनेक्टेड टू अ हेल्दी कंप्यूटर, यानी कि एक नॉर्मल कंप्यूटर के साथ आप अगर इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव को जो इन्फेक्टेड है यानी कि उसमें वायरस से आप अटैच करेंगे, वो आपके कंप्यूटर के साथ ऑटोमेटिकली इन्फेक्ट करते हुए अटैच हो जाएगा और आपके कंप्यूटर को हार्म करेगा और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये था इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव। फिर है ईमेल अटैचमेंट। ईमेल अटैचमेंट अब क्या है कि ईमेल अटैचमेंट इज़ अ फाइल, एक फाइल होती है जो आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड करते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, दैट कैन बी सेंड विद एन ईमेल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। एन ईमेल वायरस इज़ अ कंप्यूटर कोड। ये कंप्यूटर कोड होता है सेंट एज एन ईमेल अटैचमेंट, जो एक ईमेल अटैचमेंट के साथ ही सेंड हो जाता है। जैसे आप ईमेल सेंड करेंगे, आपका वायरस अगर उसके साथ है तो वो भी सेंड हो जाएगा। इफ़ एक्टिवेटेड, अगर ये एक्टिवेट हो जाए इट मे कॉज सम हार्मफुल इफेक्ट, तो आपके कंप्यूटर के कुछ नुकसान होंगे इसमें, सच एज डिस्ट्रॉइंग सर्टन फाइल। जो फाइल आपने सेंड की है ये उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी वो मे बी ओपन ही ना हो या वो करप्ट हो जाए ऑन द हार्ड डिस्क पे, एंड कॉजिंग द अटैचमेंट टू बी फॉरवर्डेड। और ये इस चीज़ में भी आपको कॉज करेगा या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि अगर आप इसको आगे फर्दर सेंड करना चाहें टू एवरी वन इन द एड्रेस बुक, आपके एड्रेस बुक में जो जितने भी लोगों को आप ये फाइल सेंड करना चाहेंगे, ये उसमें वायरस सेंड होता जाएगा साथ साथ, और उनके कंप्यूटर्स को भी हार्म करेगा और आपके कंप्यूटर में भी ऑटोमेटिकली ये आगे स्प्रेड होता जाएगा और आपकी ईमेल्स को भी हार्म करता जाएगा। ये दो टॉपिक्स हैं, आपको पूरा लॉन्ग क्वेश्चन ही दे रही है अभी, मैं दो ही लॉन्ग टॉपिक दे रही हूँ इसके स्प्रेड के, कि आपका वायरस जो है वो कैसे स्प्रेड होगा, वे थ्रू विच वायरस, वॉर्म एंड एडवेयर स्प्रेड। इसमें से दो टॉपिक आपने सिर्फ आज करने हैं, इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और ईमेल अटैचमेंट। ये दो टॉपिक आज कर लें, दो टॉपिक मैं आपको कल करवा दूंगी। इनको अच्छे से याद करना और अच्छे से नीट कॉपी पे आपने नोट डाउन करना। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं, शॉर्ट भी आपके साथ साथ ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएंगे जब आप इसको मुकम्मल कर लेंगे, तो आपने ये मुकम्मल रेडी कर लेना है। इसमें अगर कोई क्वेश्चनिंग हुई तो आप पूछ लेना। आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।